अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं ने पाकुड़ दुमका मार्ग को जाम कर दिया। छात्र छात्राएं छात्रावास में दो रसोइयों को बहाल करने और छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी और सीओ दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम हटवाया। हमारी सारी मांगे पूरी करें, जैसे कि रसोईया, नाइट गार्ड और भी बहुत सारी समस्या है, शौचालय है। आप लोग क्या ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे सरकार, तब तक हम लोग करेंगे। क्या क्या मांगे मुख्य? जो अभी अस्पताल में एडमिट हुई है उसके लिए अभी बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, और हमारी कुकमैन की जरूरत है उसको भी उपलब्ध किया जाए, और अभी जो दो महीना ही हुआ है रिपेयरिंग के हॉस्टल रिपेयरिंग। क्या नाम है जो एडमिट हुई है? मीनू सोरेन। अच्छा, क्या हुई थी उसको? वो खाना पका रही थी किचन में, मैं सोली थी। तो क्यों उसको खाना पकाना पड़ा? ये सब भी रसोईया ना होने के कारण ये सब हो रहा है। अस्पताल में एडमिट है जिनका इलाज वहाँ चल रहा है, लेकिन सही तरीके से वहाँ तो इलाज नहीं चल रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि सभी छात्रावास में एक भी रसोईया नहीं है। बालिका छात्रावास में यदि देखा जाए तो रात्रि प्रहरी नहीं है, रसोईया नहीं है। इस तरह का अप्रिय घटना कई दिन से घट रही है। हमारे मीनू सोरेन बालिका छात्रावास की छात्र हैं, वो खाना बनाने के क्रम में कल तो आग में झुलस गए। इतना दुखद लग रहा है सुनने में, इतना बड़ा समस्या। जिला प्रशासन, सरकार, कल्याण पदाधिकारी अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, सरकार भी नींद के कुंभकर्ण। बिहार झारखंड की सीमा पर कोडरमा घाटी के बागेटार में अवैध खनिज के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर अस्थायी चिकनाका की शुरुआत की जाएगी। निर्देश के बाद डीसी आदित्य रंजन चिकनाका खोलने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। डीसी ने बताया कि चिकनाका शुरू करने से न सिर्फ अवैध खनन पर लगाम लगेगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। चिकनाका पर 24 घंटे दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी, साथ ही सभी वाहनों की जाँच की जाएगी। हम लोग प्रयास में हैं कि राज्य सरकार का भी निर्देश है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और खान सचिव महोदय के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि थोड़ी शक्ति से हम लोग जो है रेवेन्यू कलेक्शन करें और अवैध उत्खनन और अवैध जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर थोड़ा रोक लगाएं। ये कभी भी 100% इस पर कंट्रोल जो है वो होना मुनासिब नहीं है, किंतु हम लोग लगातार सर्वे करवा रहे हैं जितने भी माइनिंग क्षेत्र हैं, और कई लेसी हैं जिनका लाइसेंस भी कैंसिल हुआ, उस सब का भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। राज्य कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान ने हेमंत कैबिनेट के फैसले को लेकर विरोध जताया है। एससी विभाग की तरफ से आयोजित कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोटेशन के आधार पर आरक्षण खत्म करना और मेयर का पद एससी से हटाकर एसटी को देना गलत है। उन्होंने कहा कि दलित समाज को छला जा रहा है। देखिए, झारखंड सरकार द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा जो रोस्टर तय किया गया था, उस रोस्टर के आधार पे रांची महानगर का जो नगर निगम नगर निकाय का जो चुनाव था ये इसी में होना था, लेकिन वो आरक्षित किया गया था अनुसूचित जाति के लिए, उसे हटाकर फिर से एसटी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं दलित समाज को तो आघात पहुंची है। अगर रोस्टर के अंदर जो रोस्टर जो चल रहा है उसके अंदर हो रहा था तो उसे निश्चित रूप से जो रोस्टर के अधिनियम है उसके अंदर होना चाहिए। सत्ता में है क्या आप लोग, पार्टी का? नहीं, मैं निश्चित रूप से इसका मांग माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, प्रभारी अविनाश पांडे जी और सीएलपी लीडर से हम लोग मांग रखेंगे। आज हमारी मीटिंग कार्य समिति की चल रही है, इस एजेंडा इसमें है हमारा और हम तय करेंगे। ये लगता है डिसीजन आप लोगों के खिलाफ गया है? ये निश्चित रूप से, अगर आपको नहीं करना था रोस्टर को देखते हुए तो ये पहले फैसला लेना चाहिए था। आप आरक्षित करके, ऐसे आरक्षित करके और उसे फिर हटा करके आदिवासी कर रहे, तो कहीं ना कहीं दलित समाज को। बोकारो में 2 साल से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी साइकिल नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। नाराज छात्राओं ने बताया कि 2 साल से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी अभी तक ना तो खाते में साइकिल की राशि आई और ना ही साइकिल मिली, इस कारण स्कूल आने जाने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। भाई। 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 भाई।
हम अभी कल्याणेश्वरी उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं, उत्कर्मित मध्य विद्यालय में पढ़ते थे, एक क्लास में अब कल्याणेश्वरी में पढ़ रहे हैं। हम लोग का प्रॉब्लम है, साइकिल नहीं मिला है। हेड सर हम लोग का बोले ऑनलाइन में फॉर्म भरा गया है, साइकिल तुम लोग का मिल जाएगा, तो हम लोग उसी आशा में थे लेकिन नहीं मिला। अब बाकी स्कूल का बच्चा को मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। हाँ ऐसे ही कैसे पैदल जाते हैं, 1.5 किलोमीटर है वहाँ स्कूल जाने में, धूप धूप में कैसे, गर्मी तो पार हो गया, ठंडा पड़ गया, अब कैसे जाएंगे। हाँ अभी तो पता चला कि ये बच्चे साइकिल के लिए आ रहे हैं, और चूंकि इसके पहले ही लोग जैसे ये लोग बताई कि इसके पहले ही लोग मध्य विद्यालय भांगा बाजार में पढ़ती थी, अभी ये लोग कल्याणेश्वरी हाई स्कूल जो स्थापना अनुमति है वहाँ की बच्चियाँ हैं, जैसा कि इन लोगों का आई कार्ड में दिख रहा है। और इन लोगों का मांग है कि हम लोग को साइकिल दिया जाए, हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, तो ठीक है इन लोगों की मांग भी सही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से साइकिल नहीं मिला है, जिसके चलते इनको हम बता रहे हैं कि अभी जब सरकार के स्तर से ही पैसे नहीं मिले हैं, साइकिल के लिए पैसे नहीं आए हैं, तो इन लोग को अभी कहाँ से साइकिल दिया जाएगा। और इन लोग की मांग है तो इन लोग हम लोग को दे, हमको मांग पत्र दे। हम बोकारो हवाई अड्डे में OLS सर्वे का काम शुरू हो गया है। 21 दिसंबर तक 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों की टेक्निकल तरीके से जांच करेगी। इसका काम बोकारो हवाई अड्डे में शुरू किया जा चुका है। टीम को लीड कर रहे मनोहर पारा भाई ने बताया कि ऑप्टिकल लिमिटेशन सर्वे का काम किया जा रहा है। हवाई अड्डे के रनवे के आसपास सुरक्षा मानकों की जाँच होगी। OLX सर्वे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ आई है बोकारो में, और ये जो OLX सर्वे है अभी तक हो नहीं पाया था। अभी आज 3-4 दिन, हो सकता है 1 सप्ताह भी लगे कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं बचे हुए, ये आखिरी सर्वे है, और इसके बाद जो रिपोर्ट ये लोग भेजेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसके हिसाब से फिर तिथियाँ निर्धारित होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कदम हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, बोकारो के लोगों को जो उम्मीद है कि यहाँ कब हवाई सेवा शुरू हो, तो एक उम्मीद की जो किरण है वो जल्दी ही साकार होगी। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सरोवर नगर से एक बच्ची लापता है। आपको बता दें सरोवर नगर में वीरेंद्र सिंह की बेटी सृष्टि कुमारी और अंजलि कुमारी लापता हो गई है। 9 दिसंबर से ही बच्ची लापता है। उन्होंने सुखदेव नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मूल रूप से बिहार के डेहरी ओलसोन के रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले ही वे लोग सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रहने आए हैं। उन्हें इस इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं और इसी बीच ये घटना घट गई। सर मेरी बेटी एक लापता हो गई है, मिल नहीं रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। सुखदेव नगर थाना में मतलब सर को देकर आवेदन भी दिए हैं, सर गए 2 बार पूछताछ में, लेकिन कुछ अभी तक सर वैसा नहीं मिल रहा है हमको कि मेरी बेटी कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सर नया नया उस मोहल्ला में हम गए हैं, हमको उस मोहल्ला के बारे में सर आइडिया नहीं है। 5 अप्रैल में गए थे सर, 8-9 महीना लगभग हो रहा है सर उस मोहल्ला में गए हुए, हमको उस मोहल्ला के बारे में हमको आइडिया नहीं है। मेरा स्थिति सर थोड़ा ख़राब था, मेरा बच्ची स्कूल जाती थी लेकिन बच्ची को हम लोग स्कूल नहीं जाने दे रहे थे 10 दिन से, कि बेटी थोड़ा घर में रहो, स्थिति ख़राब है, ये महीना भर रुक जाओ। मेरा वाइफ भी काम करने जाने लगी थी, हम भी जा रहे थे कि थोड़ा ये हो जाएगा बेटी तुम जाना भेजेंगे, हम छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वही बेटी मेरा बच्चा लोग को भी टेक कर देखभाल करती थी सर।